हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज इस वीडियो में हमारा जो 10th चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, इसका समरी हम पढ़ने वाले हैं और इसकी राइटर कौन है, पियर्ल एस बक। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक माई सेवरल वर्ल्ड्स रिटन बाई पियर्ल एस बक, यानी पियर्ल एस बक के द्वारा एक बुक रचित है माई सेवरल वर्ल्ड्स, और इसी का एक्सट्रैक्ट मतलब और इसी का निचोड़ है हमारा ये चैप्टर इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। ठीक है, पियर्ल एस बक वॉज एन अमेरिकन बाई बर्थ, यानी पियर्ल एस बक जन्म से क्या है, अमेरिकन है, बट वॉज एजुकेटेड इन चाइना, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा क्या चाइना में हुई। ठीक है, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पियर्ल एस बक्स लाइफ, पियर्ल एस बक के जीवन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा रहा है भारत। ठीक है, शी हैड हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, एंड इंडियंस और भारतीयों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ, अपने जो पारिवारिक जो चिकित्सक थे और उनकी जो वाइफ थी उनके मुँह से उन्होंने कहानियाँ सुनी थी भारत और भारतीयों के बारे में। सो शी वॉज़ वेरी कीन टू सी इंडिया, और इसलिए वो भारत को देखने के लिए, भारत घूमने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। शी हैड सीन मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों में जाके घूमा था, देशों को देखा था, बट शी वॉज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडियंस, लेकिन वो भारतीयों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। ठीक है, सिंस पर्ल हैड अ डीप डिज़ायर टू नो इंडिया एंड इंडियंस, शी केम टू इंडिया, जैसे कि पर्ल को भारत और भारतीयों से मिलने की, उन्हें उनके बारे में जानने की बहुत ही दृढ़ इच्छा थी, इसलिए वो भारत आई। शी विजिटेड मैनी टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, उन्होंने भारत में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस घूमे, जैसे ताजमहल और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो घूमे उन्होंने। सी शॉ द ताजमहल ऑफ आगरा इन द मूनलाइट, उन्होंने चांद की रोशनी में ताजमहल को देखा। फतेहपुर सिकरी एंड मैनी अदर प्लेसेस ऑफ दिल्ली टू, उन्होंने फतेहपुर सिकरी देखा और दिल्ली की बहुत सारी और भी जगहों को देखा, बट कुड नॉट अंडरस्टैंड इंडिया एंड इंडियंस, लेकिन फिर भी वो भारत और भारतीयों के बारे में उतना कुछ नहीं जान पाई जितना वो चाहती थी। ठीक है, सो शी ट्राइड टू गेट टू नो इंडिया बाई मीटिंग द फार्मर्स ऑफ द विलेजेस एंड द यूथ ऑफ द सिटी, और इसलिए उन्होंने भारत के बारे में जानने के लिए, मतलब उन्होंने ये सोचा कि वो भारत के जो गांव हैं उनके किसानों से मिलेंगी, और जो शहर हैं, शहरों में जो युवा पीढ़ी है, युवा बुद्धिजीवी हैं, उनसे मिलेंगी। ठीक है, She met young intellectuals in cities and poor farmers in villages. वो शहर के युवा बुद्धिजीवियों से भी मिली और गांव में गरीब किसानों से भी मिली। She was able to understand Indians better by talking and listening to the youth of the cities and poor farmers of the country. और अब वो भारत को और भारतीयों को समझने में सक्षम थी, क्योंकि उन्होंने शहर के जो युवा बुद्धिजीवी थे उनसे बात किया था, उनको सुना था, और गरीब जो किसान थे देशों में उनसे भी वो बातचीत की थी और उनके बातों को भी सुनी थी, इसकी वजह से वो भारतीयों को और भी अच्छे तरीके से जान पाई थी। ठीक है, एंड देन, और तब, शी सेड दैट इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई लुकिंग एट इट्स मॉन्यूमेंट्स, तब उन्होंने क्या कहा है कि भारत को सिर्फ इसके इमारतों को देख के नहीं समझा जा सकता है, इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाई मीटिंग द यूथ ऑफ द सिटीज़ एंड द पुअर ऑफ द विलेज, यानी भारत को तब समझा जा सकता है अगर आप शहर के युवाओं से मिलें और गांव के गरीबों, गांव के किसानों से मिलें। ठीक है, एट द टाइम व्हेन पियर्ल एस बक केम टू इंडिया, उस समय जब पियर्ल एस बक भारत आई थी, इंडियंस वर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम, भारतीय जो थे वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। द यूथ ऑफ द सिटी वर प्लानिंग टू गेट देयर फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश रूल, शहर के जो युवा थे वो प्लान बना रहे थे कि वो अंग्रेजी सरकार की इस गुलामी से कैसे आज़ादी पाएँ। ठीक है,
वाइल द कंडीशन ऑफ द विलेजेस वॉज वेरी बैड, जबकि गांव की जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी थी उस टाइम. पीपल वर स्ट्रगलिंग विथ पॉवर्टी, डिजीज एंड मेल न्यूट्रिशन. लोग जो थे, गांव के जो लोग थे, वो गरीबी से, बीमारी से और कुपोषण से बहुत संघर्ष कर रहे थे. द एवरेज एज ऑफ द पीपल वाज ओनली 27 ईयर्स. अब देखिए, ये सुन के कितना शौक लग रहा है हम लोग को भी कि उस टाइम जब पर्ल एस बक भारत घूमने आई थी, तब जो एक जो औसत जो मतलब लाइफ टाइम था, जो जीवन काल था एक भारतीय का, वो था मात्र 27 साल. देखिए कितना कम है ये रेट. ठीक है, पर्ल एस बक ऑल्सो क्रिटिसाइजेज ब्रिटिश रूल फॉर दिस पैथेटिक सिचुएशन. पर्ल एस बक जो हैं वो ब्रिटिश रूल जो है, अंग्रेजी जो शासन है, उसकी काफ़ी आलोचना करती हैं इस दयनीय स्थिति के लिए. ठीक है, आई होप समरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी वर्ड में है. सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा प्रोज सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर देंगे. ठीक है.